दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने सब्सक्राइबर को और 4000 घंटे के वॉच टाइम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। आपने थंबनेल पे मेरा देखा होगा, ये मेरा खुद का रियल है। पहले कितने सब्सक्राइबर और कितना वॉच टाइम था और मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल तो मेरा चैनल मोनेटाइजेशन भी हो गया है। ये मैंने स्क्रीनशॉट उस टाइम लिया था जब मेरा चैनल इन्हें रिव्यू में गया हुआ था। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मोनेटाइजेशन ऐसा सिस्टम होता है जो यूट्यूब पे 70% लोगों का अभी तक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, जिन लोगों के चैनल बने हैं, और सिर्फ 30% लोगों का ऑन हुआ है। उसमें से भी कोई बड़े यूट्यूबर बहुत ही कम, एक तरीके से बहुत ही कम है। और आपको ये चीज़ पता होगी कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूबर हैं वो अपने इंडिया में ही है। यहाँ पे क्रेज़ चल पड़ा है, लोगों ने इसको यूट्यूब को एक जॉब टाइप समझ लिया है और सब चैनल खोल के बैठ गए हैं अपनी दुकान। ठीक है आप मेरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है, मोनेटाइजेशन सिस्टम के लिए यूट्यूब को, मतलब जो क्रिएटर होते हैं उनको यूट्यूब के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। और अगर वैसा काम करते हैं, कोई भी चीज़ उनके टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट नहीं होती है, तो 100% चैनल मोनेटाइजेशन होता है। जैसे मेरा चैनल एक बार रिव्यू में गया था, उसमें मोनेटाइज नहीं हुआ, दोबारा रिव्यू में गया, उसके 3 महीने बाद मोनेटाइजेशन ऑन हुआ। तो मुझे भी लग रहा था क्यों नहीं ऑन हो रहा है, और मेरे मन में एक कन्फ्यूज़न थी कि मैं वीडियो शायद ऐसा तो नहीं हर टॉपिक पे वीडियो डालता हूँ, एक ही टॉपिक पर नहीं डालता हूँ, तो इस वजह से। ये खैर बात की बात है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक आपको चीज़ को बता देता हूँ कि आप किस तरीके से सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइबर को ये कंप्लीट करने का मंत्र नहीं होता जो आपने मार दिया कंप्लीट हो गए, ना कोई अपने मोबाइल में सेटिंग होती आपने कर दिया वो कंप्लीट हो गए। बस सब्सक्राइबर ऐसी चीज़ होती है जो सामने वाला बंदा देखने के बाद अगर आपके चैनल को क्लिक करेगा सब्सक्राइब, तभी सब्सक्राइब होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई स्टेप्स कर दिया वो तो सब्सक्राइब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कोई इंसान सब्सक्राइब तभी करेगा जब उसको आपकी वीडियो पसंद आएगी। पसंद तब आएगी जब आप उसकी पसंद की वीडियो बनाएंगे। अब आप अपनी पसंद की वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपको जो पता है कि हमें ये अच्छा लगता है बनाए जा रहे हैं, तो सामने वाला बंदा कैसे सब्सक्राइब करेगा? या कोई नया अनाड़ी होगा तो वो क्लिक कर दिया। बाकी अगर आपको 1000 सब्सक्राइब चाहिए और रियल सब्सक्राइब चाहिए, तो वही तरीका है, मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहला तरीका जो होता है कि आपको अपना थंबनेल इतना पैची रखना है, इतना पैची मतलब इतना अट्रैक्टिव रखना है कि जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं उसका पूरा समरी उतने थंबनेल में दिखनी चाहिए, क्लियर क्लियर, तो इंसान को लगेगा कि हाँ मेरी पसंद की वीडियो है, तो 100% वो क्लिक करेगा। क्योंकि आपकी वीडियो दूसरे को दिखने से पहले उसकी यूट्यूब की होम स्क्रीन पे उसमें आपकी वीडियो दिखती है आपके कंटेंट के साथ। कंटेंट मतलब आपके टाइटल के साथ आपका थंबनेल, दो चीज़ें दिखती हैं। उन्हीं दो चीज़ों से देखने वाला इंसान अपने माइंड में बना लेता है कि मुझे देखना है या नहीं देखना है, वो डिसाइड कर लेता है। उस टाइम आपका टैग क्या पड़ा है, आपकी डिस्क्रिप्शन क्या पड़ा है, वो देखने वाले इंसान को नहीं दिखती। आपकी वीडियो में आपने अंदर क्या बोला है, कितना अच्छा दिखाया है, किसी को नहीं दिखती। दिखता है तो सिर्फ आपका थंबनेल और आपका टाइटल। तो मेन फोकस आपको करना है कि आप, बहुत से आपने देखे होंगे सक्सेस वाले यूट्यूबर जितने भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, वीडियो के अंदर दुनिया भर की बकवास डाल देते हैं और थंबनेल इतना अच्छा लिख देते हैं, फिर उनको कमेंट में गालियाँ पड़ती हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। आप क्या करना है, आपको ओरिजिनल चीज़ जो है आप में वीडियो में, उसी को आपको उस थंबनेल में दिखाना है। ठीक है, तो आपके इससे लोग आएंगे, अट्रैक्टिव होंगे। और जब कोई एक इंसान आके अगर आपकी वीडियो को देखेगा और उसको आपकी वीडियो पसंद आएगी, तो वो ज़रूर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अगर आपके चैनल को आपकी वीडियो पसंद आएगी, तो एक बार बैक करके आपकी पहली जितनी वीडियो पड़ी है वो जरूर देखेगा। और मैंने आपको बताया ही है, जब वो बैक करके देखेगा तब भी उसको सिर्फ टाइटल और थंबनेल दो चीज़ें दिखेंगी। अगर आपका ये दोनों चीज़ें मिलते हैं, तो आप रेगुलरिटी लाते रहिए। आपके चैनल पे 5 व्यूज़ आ रहे हैं, 10 व्यूज़ आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 50 भी आएंगे, एक दिन 100 भी आएंगे, एक दिन 1000 भी आएंगे, तो एक दिन 1 लाख भी आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो एक दिन में 6 वीडियो डालते रहिए, 6 घंटे में एक वीडियो डालते रहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह जगे आपने चारों वीडियो इकट्ठी डाली और काम खत्म, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। 6 घंटे 7 घंटे पे एक वीडियो डालते रहिए, तो नोटिफिकेशन किसी को आता रहेगा। किसी को मान लो सुबह वाला नोटिफिकेशन नहीं आ पाया तो दोपहर को आ जाएगा। अब आपने सुबह ही वीडियो डाल दी तो वो नोटिफिकेशन आया, उसने मिस कर दिया, तो वीडियो चली जाएगी। अगर आपका एक वीडियो आया आपके सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन, तो वो देखेगा कि अरे पहले की वीडियो नहीं देख पाए, तो वो बैक करके देख लेगा।
और उसके बाद में आती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखिए, अगर आप कोई टाइटल आपने डाल दिया है तो जैसे डिस्क्रिप्शन हर कोई वैसे नहीं देखता है, वीडियो देख के ही हटा देता है, लेकिन अगर आपने अच्छा टाइटल डाला है और आपने उसमें बोला है कुछ ऐसा वीडियो में आप एक चीज़ ये ज़रूर बोल दें कि डिस्क्रिप्शन में ये चेक करो, वो चेक करो, लिंक दे दो किसी ऐप की या कुछ भी ऐसा कर दो, तो वो इंसान डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करेगा। और डिस्क्रिप्शन में अच्छा लिखो, ये नहीं कि कुछ भी लिखो ही ना या उल्टा सीधा लिख दो, वीडियो के बारे में हल्का फुल्का बता दो। और सब्सक्राइबर जो आपके हैं, जितने भी हैं 10, 20, 50, 100, उसको हमेशा हाइड करके रखो अगर आपके सब्सक्राइबर कम है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सब्सक्राइबर को 100 करके रखते हैं और किसी को दिख रहा है इसके तो सिर्फ 20 सब्सक्राइबर हैं, 25 सब्सक्राइबर हैं, फिर वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। अगर आप हाइड करके रखे हैं तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि उस टाइम उसको खुद नहीं पता कि इसके कितने सब्सक्राइबर हैं। और ये आप जानते हैं कि छोटे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता, बड़े चैनल को हर कोई सब्सक्राइब कर देता है। बड़े चैनल का मतलब, मेरा मतलब जिनके 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइब है, उनको बिना देखे आदमी टक से क्लिक कर देता है, और छोटे चैनल को नहीं करता कोई भी। छोटे चैनल को क्लिक करने से पता नहीं कैसा अजीब सा समझता है। मैं दूसरे का नहीं बोल रहा हूँ, अपना खुद का बोल रहा हूँ, आपका भी बोल रहा हूँ। मुझे भी एक मेंटेलिटी आती है कि इसको सब्सक्राइब करें कि ना करें, ये ज़रूर आता है। लेकिन अगर अच्छी वीडियो बनाएंगे तो छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, हर कोई सब्सक्राइब करेगा। आप कीजिए, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और वॉच टाइम तो सब्सक्राइबर के पीछे चलता है। मतलब कि अगर आपके सब्सक्राइबर 1,000 हो गए और वीडियो परमानेंटली लोग देख रहे हैं, तो आपका वॉच टाइम कब पूरा हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। उसके बाद में आप अपने चैनल को रिव्यू में भेज सकते हैं और आपका चैनल मोनिटाइजेशन हो जाएगा और आप इस पर रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।